गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, बजट 2024 के अंदर 10 करोड़ की सेल्स टर्नओवर की लिमिट रिड्यूस कर दी गई है 1 करोड़ रुपीस पे। इस रिड्यूस्ड लिमिट को अगर आपने थोड़ा भी मिस कर दिया तो आपका जो टीडीएस और टीसीएस का कंप्लायंस है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा, क्योंकि बजट 2024 के अंदर टीडीएस टीसीएस के अंदर अब तक के सबसे बड़े चेंजेस किए गए हैं, जिसमें एक एक सेक्शन के अंदर जो दूसरे सेक्शन का इंटरलिंकेज है और एक सेक्शन के रिडक्शन से दूसरे सेक्शन पे जो इम्पैक्ट आ रहा है, आप देख रहे होंगे हमारी पिछली 3 वीडियोस के अंदर मैंने आपको डिटेल्ड एनालिसिस विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बताए हैं। तो अब ये जो 10 करोड़ की लिमिट 1 करोड़ रुपए हो गई है, ये किस तरीके से आपके ऊपर इम्प्लीमेंट करनी है और किस तरीके से आपको नए प्रोविजंस के आधार पर टीडीएस और टीसीएस के जो प्रोविजंस हैं उसे लागू करना है, वो आपको समझना बेहद जरूरी है। अगर आप एक सेलर हैं, किस गुड्स के, एनी गुड्स, किसी भी गुड्स के सेलर के ऊपर ये प्रोविजंस लागू होगा। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक रिलैक्सेशन भी दे रखी है जो आपको वीडियो के एंड में एज अ टिप आपको मिलने वाला है, तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक और ऐसी ही प्रैक्टिकल एनालिसिस ऑफ जीएसटी एंड इनकम टैक्स अमेंडमेंट्स इन बजट 2024 के लिए आप हमारा चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। समझिएगा ये 10 करोड़ की लिमिट क्या थी और अब ये लिमिट 1 करोड़ रुपए की कैसे हो गई है। जैसे मान लीजिए मैं आप ही का एग्जाम्पल लूं, अगर तो आपका नाम है लेट सपोज रामू, आप हैं एक सेलर। हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, ठीक है। रामू है सेलर जो 24-25 में एक इसका कस्टमर है, एक इसका परचेजर है लेट सपोज श्यामू। सेलर है रामू, परचेजर है श्यामू। ये जो है 50 लाख रुपए से ऊपर का ट्रांजैक्शन परचेजर को करके दे रहा है, यानी कि ये जो है सेल कर रहा है 50 लाख रुपए से ऊपर का। अब ये जब 50 लाख रुपए से ऊपर की सेल करेगा तो यहां पर एज अ सेलर इसके ऊपर लाइबिलिटी है 206(c)(1)(h) में कि 50 लाख रुपए से ऊपर की जब ये सेल करेगा और इस सेल कंसिडरेशन को जब वो रिसीव करेगा तो 0.1% का टीसीएस जो है इस रामू को कलेक्ट करना है इस परचेजर से। यहाँ एक डिस्क्लेमर ये है कि परचेजर 94Q में लायबल नहीं है, इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अगर रामू के 206(c)(1)(h) से छुटकारे की बात करें तो उसके लिए श्यामू 94Q में अगर लायबल है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसमें यहाँ पर 94Q एप्लीकेबल नहीं है। तो अभी जो हमारा मुद्दा है, एज अ सेलर, आप एज अ सेलर बिजनेसमैन 50 लाख रुपए का माल बेच रहे हैं, 50 लाख रुपए की कंसिडरेशन आप रिसीव कर रहे हैं, तो आप 0.1% का टीसीएस कलेक्ट करेंगे, यानी कि 5,000 रुपए आप टीसीएस कलेक्ट करेंगे और इस टैक्स टीसीएस को टैक्स के रूप में जमा करेंगे, रिटर्न वगैरह फाइल। ये है प्रोविजन 206(c)(1)(h) के अंदर। और 206(c)(1)(h) में जो ये सेलर है, इस सेलर को जो डिफाइन किया जाता है उसमें ये कहा जाता है कि अगर आपके प्रीवियस ईयर की टर्नओवर यानी कि 23-24 की टर्नओवर अगर 10 करोड़ रुपए से ऊपर है, अगर 10 करोड़ रुपए से ऊपर है तब आपको ये प्रोविजन चेक करना है। तो पहला पॉइंट ध्यान रखिए, आपके सेल टर्नओवर की लिमिट 10 करोड़ रुपए 206(c)(1)(h) में सेलर के लिए दे दी गई। सर ये 1 करोड़ कैसे हो गई? अब यहां पर अमेंडमेंट हुआ है बजट 2024 में, ध्यान से सुनिएगा। बजट 2024 में गवर्नमेंट ने 206(c) के अंदर एक क्लॉज होता है, क्लॉज नंबर 1F। इस क्लॉज 1F में ये कह दिया है
कि आप एज अ सेलर, आप एज अ सेलर एनी गुड्स, कोई भी गुड्स सेल करेंगे, कोई भी गुड्स सेल करेंगे और उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए से ऊपर है, उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए से ऊपर की निकल गई है और आप इस 10 लाख रुपए से ऊपर की वैल्यू का कंसिडरेशन रिसीव करेंगे, तो आपको टीसीएस कलेक्ट करना है 1% का। ध्यान से, यहां पर दो लिमिट की बात हो रही है। एक तो यहां पर सेल 50 लाख रुपए से ऊपर था, अब इस लिमिट को कर दिया गया है 10 लाख। इस लिमिट की अभी बात नहीं कर रही है, तो हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में किया है। इंपॉर्टेंट क्या है, जो आज का सेशन है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, 206(c)(1)(f) में जब सेलर डिटरमाइन किया जाएगा, जब सेलर डिटरमाइन किया जाएगा कि इसी गुड्स पर 201(c)(1)(f) लागू होगा या नहीं, ये इसके सेलर की कंडीशन में आता है या नहीं, तो यहां पर प्रोविजन ये कहा ये है कि अगर इसके सेल की टर्नओवर, सेल टर्नओवर ग्रॉस रिसीट्स 1 करोड़ रुपए से ऊपर है, तो आपको 206(c)(1)(f) एप्लीकेबल होगा। तो अगर मान लीजिए यहां पर कोई गुड्स एक्स है, यहां पर वही गुड्स एक्स है, तो अगर गुड्स एक्स सेल किया जा रहा है, उस पे 50 लाख रुपए से ऊपर का टर्नओवर हो रहा है, तो 206(c)(1)(h) जब आप देखेंगे तो यहां पर सेलर का 10 करोड़ का टर्नओवर चेक किया जाएगा पिछले साल का। लेकिन अगर वो गुड्स की पेमेंट 206(c)(1)(f) में चेक करेंगे तो आपकी लिमिट 10 करोड़ से घटा करके 1 करोड़ कर दी जाएगी। सर, एक ही गुड्स की सेल पर दो तरीके का ट्रांजैक्शन होगा। यहां पर एक क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा दे रखा है कि 206(c)(1)(f) के अंदर जो गुड्स होंगे वो हम आपको नोटिफाई करके बता देंगे, और जो गुड्स हम यहाँ नोटिफाई कर देंगे वो 206(c)(1)(h) से ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे। लेकिन आपको ये बात अब ध्यान में रखनी होगी एज अ प्रोफेशनल, एज एन अकाउंटेंट, कि कौन से गुड्स 206(c)(1)(h) में है, कौन से गुड्स 206(c)(1)(f) में है। जो गुड्स 206(c)(1)(f) में होंगे उसके लिए आपको 1 करोड़ की लिमिट चेक करनी है और 10 लाख के ऊपर टीसीएस काट लेना है। अगर वही गुड्स 206(c)(1)(f) से बाहर हो गए, 1H में चले गए, तो फिर आपको अब उस गुड्स के रिस्पेक्ट में ये देख लेना है कि आपकी टर्नओवर पिछले साल 10 करोड़ रुपए की है या नहीं, और उस पे 50 लाख का कारोबार हुआ या नहीं। तो बड़ा ही अमेंडमेंट और ये इंपॉर्टेंट चेंज जीएसटी के साथ साथ इनकम टैक्स के अंदर इस बार बजट में किया गया है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट जो है वो अब पूरी तरीके से सिंप्लीफिकेशन की तरफ जा रहा है। ये सिंप्लीफिकेशन का एक नजारा भर है। ऐसी ही सिंप्लीफिकेशन आपको अगले 6 महीने के अंदर देखने को मिलने जा रही है, जिसका कंप्लीट और प्रैक्टिकल एनालिसिस आपको हमारे यूट्यूब चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा। तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल, ऑल नोटिफिकेशन बेल के साथ आपको कंप्लीट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। जीएसटी का फुल कोर्स अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। आप उस लिंक के माध्यम से प्लेटफॉर्म का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।